शहर के प्राचीन नित्यानंद आश्रम धाम पर गुरु पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों की आवाजाही देखने को मिल रही है। सुबह से ही अनुष्ठान और पूजन का दौर चल रहा है। सुबह नित्यानंद बाप जी का अभिषेक कर पूजन किया गया एवं गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर नित्यानंद आश्रम की विशेष साज सज्जा भी की गई। भगवान भोलेनाथ की आरती के पश्चात भोलेनाथ की पालकी यात्रा भी नित्यानंद आश्रम से निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। साथ ही भक्तों के द्वारा ओम नमः शिवाय का जाप किया गया। भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन के लिए धार जिला सहित समीप स्थित राज्य के श्रद्धालु भी दर्शन का विशेष लाभ ले रहे हैं। ट्रस्ट के द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित अन्य प्रदेश में भक्तगण भी यहां दर्शन के लिए पधारे हैं। वहीं भक्तों के लिए आज लगभग 10,000 से अधिक लोगों के लिए प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया है। जो आज गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है, आज विशेष क्या बाप जी के उपलक्ष्य में? सब बोले भगवान जी है, बाप जी से का पर्व 75 वर्ष पूर्व जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती थी, उसी प्रकार आज बाप जी से के गुरु पूर्णिमा सभी भक्तजन यहाँ पर आते हैं, गुरु पादुका का पूजन करते हैं, बाप जी से का यहाँ पर पूजन होता है और उसके पश्चात यहाँ पर करीब 10-11 बजे जो है आरती के पश्चात महाप्रसाद का आयोजन होता है, जिसमें समस्त धार के भक्तजन यहाँ पर प्रसाद का लाभ लेते हैं और उसके पश्चात जो है दोपहर का पूजन वगैरह होता है और 4 बजे जो आप यहाँ पर अभी पालकी यात्रा निकलने जा रही है। पालकी यात्रा बड़ी धूमधाम से निकलती है, सभी भक्त इस पालकी यात्रा में सम्मिलित होकर बाप जी श्री को नमन करते हैं और गुरु पूर्णिमा का प्रसाद लेते हैं और तत्पश्चात रात्रि में पुनः वापस पूजा वगैरह होता है और भजन वगैरह का आयोजन और शाम आज शाम को 7 बजे पश्चात अखंड नमः शिवाय का अखंड जप चलते हैं और सभी पूरे सावन भरो मतलब 2 महीने का अधिक मास की वजह से 2 मास पूर्ण मतलब सावन मास बनेगा और सभी गुरु भक्त यहाँ पर आकर नमः शिवाय का लाभ लेंगे और ये दो महीने बहुत आनंद पूर्वक बीतेंगे। आप सभी गुरु भक्त धारा निवेदन है आदमी के आश्रम में पधार कर इस अखंड ओम नमः शिवाय भक्ति का आह्वान करें और यहाँ पर आनंद लें। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंडित सरवेन जोशी है, मैं यहाँ पर नित्य पूजन भैया में सभी ब्राह्मणों के साथ सम्मिलित होता हूँ, सभी ब्राह्मण का इस प्रकार के सहयोग और योगदान प्राप्त होता है जिससे हम ये कार्यक्रम सफल है और पालकी यात्रा निकली है तो पश्चात शाम को कभी आरती और फिर अखंड नमः शिवाय की स्थापना होगा जो 2 महीने तक सतत चलेगा श्रावण मास में और भगवान गुरुदेव का सदगुरु का घर में एकमात्र स्थान है जिसके कारण लोगों की बड़ी आस्था है। राजस्थान, गुजरात, जयपुर आदि के स्थानों से भगत यहाँ पर घर है और सबने अपना सेवा भाव से आनंद लिया, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और आनंद मंगल के साथ पर्व संपन्न हुआ। आपका नाम बता दीजिए। विवेक जोशी, सन्यासी, नित्यानंद आश्रम।